आगे बढ़ाई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, सोशल मीडिया पे जितने भी साथी देख रहे हैं, आपके लिए मैसेज है। खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली ख्याल जिसको ना हो खुद अपनी हालत बदलने का। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म से पहले भी हम आपको बहुत सी मरात लेके दे चुके, उनको सिर्फ अगर आपने चेक करना है तो अपनी फरवरी 2021 की सैलरी स्लिप और जुलाई 2022 की सैलरी स्लिप, ये एक साल पांच महीने का अरसा है, इसमें आप देख सकते हैं। एक दफा फिर से जो हमारे जख्म थे तनख्वाहों में तफरीक के हवाले से, उनके ऊपर नमक छिड़का गया। एहसासे महरूमी का हमें शिद्दत से एहसास दिलाया गया। हमारे दरमियान के कुछ महरूम साथी अफसरान को एग्जेक्टिव अलाउंस दे के उनका हक था, वो भी महरूम थे, मगर उसके साथ साथ ग्रेड 1 से 16 का वो मुलाजिम भी इसका हकदार था, जो डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस ले रहा था वो मुलाजिम भी इसका हकदार था, जो सूबे की तर्ज के ऊपर एक तहरीरी मुआहदे की सूरत के अंदर अपनी अपग्रेडेशन का इंतजार कर रहा था, वो मुलाजिम भी रिलीफ का मुंतजिर है, जो गुज़िश्ता 5-5, 10-10, 15-15 सालों से कॉन्ट्रैक्ट डेली वेजेस एडहॉक पीएम असिस्टेंट पैकेज TLA के नाम के ऊपर मजदूरी कर रहा है। हमारे पेंशनर्स साथी और बिलखसूस, ये मुतालबा हमारा नहीं है, ये जहन में रखें, हमारा मुतालबा तो ये था कि हमारे साथ जो ज्यादती हो रही है सिर्फ इसको खत्म किया जाए। ये मुतालबात, ये सिफारिशात, जो हमारा जो मुतालबा सामने आया है, ये पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात पे अमल दरामद करवाने के लिए हम कह रहे हैं। जिसने 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी थी, 26 महीने उसने लगाए, तमाम चीजें आप मुलाजमीन को पता है, इस मैसेज को शेयर करें। सिर्फ एक मैसेज, एक पैगाम है आपके लिए, 13 अक्टूबर 2022, सब रास्ते सब काफले पार्लियामेंट हाउस। अगर कुछ लेना है अपने बच्चों के लिए, अपने जायज आइनी हक के लिए, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बसूरत दीगर आप महरूम थे, महरूम हैं, महरूम रहेंगे, क्योंकि महरूमी का जो एक तोक आपके गले में डाला गया है उसको आपने अपने हाथों से खींचना होगा, इस रवायत को खत्म करना होगा। और इंशाअल्लाह ताला हम लोग पुरमन रहते हुए, गैर सियासी रहते हुए, इसी मौजूदा हुकूमत से इंशाअल्लाह ताला अपने मुतालिबात को जो है पूरा करवाएंगे, मगर ये उसी सूरत में हो सकेगा। यहाँ पे लीडरान नहीं है, यहाँ पे वकला है, मैं आपका वकील हूं। मुद्दई सोस गवाह चोस, जिनका वकील हूं वही ना निकले तो मैं उनका मुकदमा क्या लड़ूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मुकदमा बेहतर अंदाज में लड़ा जा सके तो इस वकील को फीस नहीं चाहिए, इस वकील को हेड काउंट चाहिए, आपके सरों की तादाद चाहिए। मेरा आपसे वादा है, ना पहले आपका मुकदमा हम हार के आए थे, ना आइंदा हार के आएंगे। इस मैसेज को बहुत शेयर करें। 13 अक्टूबर 2022 इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। अपनी सुस्ती को, बेहिसी को आपको खत्म करना होगा। और बहुत से ऐसे लोग जो अपग्रेडेशन के हवाले से गुज़िश्ता 15-20 दिन या एक महीने से सरगर्म थे, वो कहां पे हैं? जो तनख्वाहों में तफरीक के हवाले से सरगर्म थे कहां पे हैं? इसका सिर्फ एक मकसद है कि वो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस की जो काविशें थी उनको सबूताज करना चाह रहे थे, जो पिछली कामयाबियां थी। आपका जो भी मुतालबा है आपको अमली तौर पर आना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला इसी सूरत में आपके मुतालबात पूरे होंगे। जनाब रहमान बाजवा साहब, जनाब आशिक साहब, जनाब आशिक साहब, रहमान बाजवा कदम बढ़ो, रहमान बाजवा कदम बढ़ो, आशिक खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, आशिक खान कदम बढ़ो।
खास तौर पे डेली वेजेस एडहॉक कंटिजेंट पीएम असिस्टेंट पैकेज वाले मुलाजमीन के लिए यह मैसेज है। हमारे जो फेडरल एजुकेशन के अंदर टीचर्स हैं जो 5 तारीख को यहाँ पे मौजूद थे रेगुलराइजेशन के हवाले से, और तमाम सूबों के मुलाजमीन के लिए यह मैसेज है जो इस्लामाबाद के नजदीक है, पिंडी रीजन के अंदर है, कि आप अपनी शिरकत को हर सूरत में यकीनी बनाएं, क्योंकि ये तमाम मरात वही हैं जो पहले वफाक में मिली थी और इनके समरात सूबों में आप ले चुके हैं। बहुत शुक्रिया, इस मैसेज को शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला हमें इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ मुलाजमीन के मसाइल हल करने में कामयाब करे, मुनाफिकीन की मुनाफकत से बचा के रखे और दुश्मन की नजरों से बचा के रखे इस इत्तेहाद को जिसने आपके लिए इतना काम किया और इतनी कुर्बानियां दी। बहुत शुक्रिया।